नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त रविंदर कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं करंट जॉब्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आप देखने वाले हैं यूपी टीचर भर्ती 2020-22। यूपी मींस उत्तर प्रदेश में टीचर्स की भर्ती निकली हुई है, उसको वीडियो आप देखने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। UPSC SSB TGT PGT वैकेंसी 2020-22। सो जो इसकी फुल फॉर्म है वो है उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड UPSE SSB, जिन्होंने ये वैकेंसीज निकाली हुई हैं। वैकेंसीज का जो मोड है अप्लाई करने का वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो ऑल इंडियन कैंडिडेट कैन अप्लाई, जितने भी इंडियन कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो पोस्ट का नाम है वो अभी आप अब देख पाएंगे। जो TGT है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, उसकी वैकेंसीज हैं टोटल 3529, जिसमें TGT मेल की हैं 3213 वैकेंसीज और TGT फीमेल की हैं 326 वैकेंसीज। जो PGT होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उसकी टोटल वैकेंसीज हैं 624, जिसमें PGT मेल की 549 और PGT फीमेल की 75 वैकेंसीज हैं। सो इन दोनों को अगर आप टोटल करेंगे तो टोटल वैकेंसीज हैं 4153, जिसकी सैलरी स्टार्ट होती है 35400 से लेके और जो आती है 1,12,400 रुपये पर महीने तक। सैलरी काफ़ी अच्छी है। अब हम बात कर लेते हैं इन वैकेंसीज की सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स की। सो सबसे पहले हम करेंगे TGT सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज है जो। सो सब्जेक्ट नेम है इंग्लिश, इंग्लिश में 557 टोटल वैकेंसीज निकली हुई हैं। उसके बाद जो हिंदी है, हिंदी में भी 557 वैकेंसीज हैं। मैथ के लिए 533 वैकेंसीज, सोशल साइंस के लिए 338 वैकेंसीज, संस्कृत के लिए 291, फिजिकल एजुकेशन के लिए 170 वैकेंसीज, साइंस की पोस्ट के लिए 540 वैकेंसीज, होम साइंस के लिए 179 हो गया, आर्ट के लिए 148 हो गया, कॉमर्स के लिए 38, सिंगिंग म्यूजिक के लिए 23, एग्रीकल्चर के लिए 47, बायोलॉजी के लिए 50, उर्दू के लिए 13 और लास्ट म्यूजिक प्लेइंग के लिए 10 वैकेंसीज टोटल निकली है। अब हम बात कर लेते हैं PGT सब वैकेंसीज की, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज की। सो सब्जेक्ट नेम में सिविक्स में 35 वैकेंसीज, केमिस्ट्री की 39, फिजिक्स में 40, बायोलॉजी की 50, जियोग्राफी की 52, मैथ की 22, इंग्लिश की 76, सोशोलॉजी की 24, इकोनॉमिक्स की 60, हिस्ट्री के लिए 21। ये सारे आप अपने वीडियो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सारे वैकेंसीज, प्लस ये सारा आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हिंदी के लिए 85, एग्रीकल्चर के लिए 12, एजुकेशन ब्रांच के लिए 10, फिलोलॉजी के लिए 12, संस्कृत के लिए 52 और आर्ट के लिए 8। सो टोटल वैकेंसीज ये निकली हुई हैं। एज लिमिट की बात करें, जनरल कैटेगरी के लिए आपकी एज होनी चाहिए 21 से 40 साल के बीच में इन जॉब्स को अप्लाई करने के लिए। OBC नॉन क्रिमिनल ईयर के लिए आपकी एज होनी चाहिए 21 से 43 ईयर्स, 47 साल के बीच में इन जॉब्स को अप्लाई करने के लिए। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपकी एज होनी चाहिए 21 साल से 45 साल के बीच में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों, जो TGT है उसके TGT की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, प्लस आपको BEd भी होना चाहिए। और जो PGT है उसमें आपको मास्टर होना चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट में, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, जिसकी 80 मार्क्स हैं, इंटरव्यू के लिए 10 मार्क्स, क्वालिफिकेशन और अदर के लिए 5 मार्क्स। मतलब इसमें सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें इंटरव्यू नहीं होगा या रिटर्न नहीं होगा, दोनों चीज़ें आपको करनी होगी। एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 125, जिसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और मार्क्स होंगे 5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। जो एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर रहे थे वो TGT का था। PGT का एग्ज़ाम पैटर्न है, उसमें भी क्वेश्चन होंगे 125, टाइम होगा 2 घंटे का और मार्क्स होंगे 3.5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। एप्लीकेशन फ़ीस में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं आपको पे करने होंगे 750 रुपये, EWS कैटेगरी से हैं आपको पे करने होंगे 650 रुपये, OBC कैटेगरी से हैं तो आपको पे करने होंगे 750 रुपये, अगर आप SC कैटेगरी से हैं आपको पे करने होंगे 450 रुपये,
और आप ST कैटेगरी से हैं तो आपको पे करना होंगे ₹250 इन जॉब्स को अप्लाई करने के लिए। जॉब लोकेशन होगी उत्तर प्रदेश, जैसे कि आप देख पा रहे, जैसे कि आपको पता है कि ये UP बोर्ड का ही वैकेंसीज हैं, तो आप उत्तर प्रदेश से बाहर कहीं में पोस्टिंग नहीं हो सकती, उसमें उत्तर प्रदेश में ही कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है आफ्टर योर सिलेक्शन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जॉब्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 9 जून से और इसकी लास्ट डेट है 3 जुलाई तक, तो काफ़ी टाइम है आपके पास R&D करने का, रिसर्च करने का, जो उसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो पढ़ने का डिटेल में, कि जिससे भी कोई भी मिस ना हो पाए और आप प्रिपेयर हो पाए इस चीज़ के लिए कि आपको ये अप्लाई करना है नहीं करना है। अप्लाई कैसे करना है आपको, यूपी की जो वेबसाइट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। आपको उस लिंक पे अगर जाके, अगर आप पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, वहाँ पर बेसिक डिटेल आपकी डालनी होगी, पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपको अपना फ़ोटो भी अपलोड करना होगा और सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। कैटेगरी वाइज आपको अपनी पेमेंट करनी होगी और फाइनल फॉर्म को सबमिट करना होगा, उसके बाद आप उसको प्रिंट निकाल के उसको रख लीजिएगा जो फ्यूचर में आपके काम आएगा। लास्ट में दोस्तों, जो UPSSC SV की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका मैंने लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आप डिटेल चेक कर सकते हैं, प्लस जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी मैंने इसे मेंशन किया हुआ है, जो आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं ध्यानपूर्वक, और जहाँ से आपको अप्लाई करना है, जहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट की होगी उसका लिंक भी इसमें दिया हुआ है आपकी सुविधा के लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जॉब्स के साथ। धन्यवाद।